मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वार्ड नंबर 66 सराया के उपचुनाव में निर्दल पार्षद प्रत्याशी राज खान ने अपने क्षेत्र में एक जनसभा आयोजन कराए, जिसमें कई वक्ताओं ने क्षेत्र की जनता से अपील की कि अगर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो राज खान को चुने एवं भारी मतों से विजयी बनाए। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। हमारा नाम कैसा क्या है? आज ये सरैया वार्ड में जिला अध्यक्ष महिला में, ये सरैया वार्ड में कितनी समस्याएं इतनी दिन से चली आ रही है? काफी समस्याएं चली आ रही है। क्या क्या समस्या है इसमें? कई समस्या है जो हल नहीं हो पा रही है। तो बेचारे जो है बिंदास हो मर रहे हैं, उनकी कोई सेवा नहीं हो रही है। गली नाला जो है उसकी सफाई नहीं हो रही है। बारिश होती है जगह जगह पानी जुट जाता है। आने वाले समय में चुनाव भी होने जा रहा है। आने वाले समय में अगर अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन गुजरा समय जो गया है तो बहुत बदतर गया है, बुरे से बदतर गया है। तो क्या विचार है आप लोगों का इस समय? हमारा विचार, हम सबों का यही विचार है कि जो हमारे यहाँ मोहल्ला है, गली है, नाला है और पूरा वार्ड है, इसकी साफ सफाई हो और अच्छी तरह देखभाल हो, और उसके साथ जो रोजी के लिए परेशानी जिनको है उनकी रोजी हो सही तरीके से। बुनकरों का इसमें घटौती चली जा रही है, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, उनकी मजदूरी घटी जा रही है, घर का खर्च बढ़ा जा रहा है। तो किसको चुन रही है इस बार सभासदी में? और ये क्या नाम, राज खान जो है, इस पार्टी से हम लोग की समर्थन हुआ है। कितना उम्मीद राज खान से आप लोग लगाई हुई है? कि तो ज्यादा लगाया, ज्यादा लगाई। क्या आपके उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, उम्मीदों पे खरा उतरने की बात है, उम्मीद हर किसी को होती है, उम्मीद से ही दुनिया के लोग जीते हैं और हर किसी का मुकद्दर भी जागता है उसमें, और उम्मीद पे सारे लोग हैं, हम भी उम्मीद पर हैं। राज खान को 3 साल का समय मिल रहा है, क्या 3 साल में सरैया की जितनी भी समस्याएं हो क्या दूर कर पाएंगे? हम तो वोट का जीतने का दावा नहीं कर पाएंगे, लेकिन राज खान के ऊपर हम दावा ये कर पाएंगे कि राज खान वोट जीते या न जीते, लेकिन वो सारा काम कर गुजरा है और कर दिखाया है और करेगा, और वो कोशिश करता भी है, कोशिश ही नहीं वो करके दिखाता है। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। हमारा नाम मोहम्मद साहिब, हम सरैया के निवासी हैं। सर, यहाँ पे किस तरह की बैठक हो रही है, क्या इसका उद्देश्य है? हमारे क्षेत्र में एक सभासद जी थे, उनका देहांत हो गया, उस वजह से ये सीट रिक्त हो गई, उसकी जगह उपचुनाव हो रहा है, और हमारे वार्ड से बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वार्ड से हम लोगों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने एक निर्णय किया है, इस बार हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम अपने वार्ड से एक आजाद कैंडिडेट को, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां से एक आजाद कैंडिडेट को हम जिता करके जाएंगे, क्योंकि हमने सारी पार्टियों को देख लिया, समाजवादी पार्टी को यहां हम 18 साल से देख रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले जो रास्ते से आए हैं वो रास्ता भी आप लोगों ने देखा होगा कि यहां का रास्ता कैसा है। ये सरैया वार्ड 66 है, 66 में किन किन समस्याओं से आज तक आप लोग परेशान होते चले आ रहे हैं? ये बात हमारे सरदार साहब भी बताएंगे, इनसे भी पूछ लीजिए, अपने बात को रखेंगे। क्या क्या समस्या है आपकी? पानी का है, सीवर का है, और ये खरपा गलियां जो है ये सब गड्ढी गुड्ढा, समझे आप? और हम लोग इतना परेशान हाल हो जाते हैं कि पानी का हम लोग इधर उधर गली से बाहर कर जाना पड़ता है, मेन रास्ता छोड़ दिया जाता है। मौलवी साहब, ये समस्या कितने दिनों से चली आ रही है? कम से कम ये चला आ रहा है 20 साल से। अभी तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? कोई सरकार ध्यान नहीं दिया, मेयर साहब भी आ चुके नगर निगम से, वो भी देख के चले गए, कोई ध्यान नहीं दिया, और हमारे विधायक भी आए समझ साहब, वो भी कोई ध्यान नहीं दिया, मौलवी सभासद बेचारे। अब आप लोग का क्या निर्णय है? निर्णय यही है कि उसको सही रास्ता कराना है, कोई ऐसे आदमी को खड़ा किया गया है, तर्रार आदमी तो वहाँ तक बात पहुँचाए और मामला को हल करें। उसका नाम राज खान है, हम उसको भेजना चाहते हैं नगर निगम तक। हाँ राज भाई, आज किस तरह की यह बैठक चल रही है? देखिए, ये बैठक नहीं है, इस क्षेत्र की समस्या को लेकर जनता आज बैठी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे एक निर्दल पार्टी प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 66 वाराणसी में। जनता बैठी नहीं है, जनता अपनी समस्या बताने के लिए बैठी है कि हमारे क्षेत्र में समस्याएं कैसी कैसी,
वो इतनी जन सैलाब हमारे क्षेत्र की भीड़ आई है, इतनी चिंता आई है, ये बताने के लिए कि हमारे क्षेत्र में समस्या का भरमार है। इस समस्या से लड़ने के लिए उन लोगों ने मुझे चुनने का काम किया। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं इनकी समस्याओं को दूर करने का काम जरूर करूँगा। इतनी जनसंख्या बैठी हुई है और आपको 3 साल का समय मिलेगा, 3 साल में कितने लोगों की समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे? देखिए, ये तो जनता को पता है कि 3 वर्षों में कितना कार्य हो सकता है। अब 20 साल में जो कार्य इन्होंने नहीं देखा, लेकिन 3 वर्षों में इंशाल्लाह ऐसा काम देखेंगे कि इनको महसूस होगी कि 3 वर्षों में कितना मिला हमको काम, तो इनको अगर 5 साल 10 साल मिलता है तो ये क्या से क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो अगर भारी मतों से आप जीतते हैं तो ये श्रेय किसको जाएगा? ये श्रेय यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ की बड़े बुजुर्ग, यहाँ के युवाओं को जाएगा। इसलिए कि वो युवा जानते हैं कि अब क्षेत्र में किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे विकास की जरूरत है, अब काम की जरूरत है। अपने सरैया वार्ड के भाइयों और बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने सरैया वार्ड के भाइयों बहनों के बहुत बहुत शुक्रिया दिल से देना चाहता हूँ कि वो अपने सरैया की विकास के बारे में अब सोच रहे हैं, किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। अब वो बताना चाहते हैं हर पार्टी वालों को कि सरैया में किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं, यहाँ विकास की आवश्यकता है, इसके बहकावे में नहीं आएंगे, अब यहाँ विकास चाहिए और यहाँ काम चाहिए। कैंटोनमेंट स्थित होटल अमाया में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। चैप्टर चेयरमैन के रूप में इस बार हम लोगों ने दायित्व दीपक जी को दिया है। आप यहाँ पर एक कुशल और कर्मठ उद्यमी भी हैं। आज दो तो आप जयपुर के स्कूल जो आप मेरे को लगता है कि कार्यशैली और इसको दर्शाता है। समय बहुत कम है और हमारे आयुक्त महोदय को कार्यक्रम में जाना है, लेकिन 2-3 बार मैं कहूँगा, मैं इनसे मिला अधिकार है। आयुक्त महोदय जितने सरल और उदार हैं उतने ही कर्मठ भी हैं, और आज मंडल के विकास के लिए जो ऊर्जा आपसे हमको मिलती है और जिस तरह से आज आपके केवल हैं, देखने में नहीं लगता कि आपके केवल होंगे, लेकिन मैं आपको एक दो दृष्टांत बताता हूँ कि उद्योग मंत्री की बैठक थी, आज हम लोग कोई पीड़ा आपके सामने रखते हैं, आज एज ए गार्जियन आप उस पीड़ा का निदान कराने का प्रयास करते हैं, दिखाते नहीं हैं। मैं आपको एक दृष्टांत बताऊँगा, मेरे बाहर से जो प्रदेश साथी आए हैं मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में, गाजीपुर के वशिष्ठ यादव जी ने बताया, ESIC का मुद्दा उठाया, पूरा प्रदेश उससे पीड़ित है। ESIC में क्या है, आज हम लोग प्रयोक्ता शुल्क देते हैं, लेकिन ESIC की तरफ से जो प्रयोक्ता शुल्क के अगेंस्ट में हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। इन्होंने 1 मीटिंग में 2 मीटिंग में उन बातों का उल्लेख किया, कहा कि भाई सुविधाओं को वहाँ गाजीपुर में बहाल कर दीजिए। जब उन्होंने बहाल नहीं किया तो नेक्स्ट मीटिंग में जब ये पॉइंट आया तो आपने जिस तेवर के साथ कहा, मैंने मेरे इस लाइफ में, मैं समझता हूँ कि करीब करीब 36 साल की इंडस्ट्री लाइफ में ऐसा अधिकारी मिलने का काम होता है। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। मैं नीरज पारी, डिविजनल सेक्रेटरी IIE वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक हुई है, क्या क्या चीजें कंफर्म हुई है? आज उत्तरांचल से और यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग आए हुए हैं दिल्ली, और हम लोग महामंथन करेंगे किस तरह से जो है औद्योगिक विकास को हम लोग गति दे पाए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये महामंत्री की बैठक है कि किन किन चीज़ों को इनको जोड़ देना है जिससे कि विकास हो पाए। कई दिवसीय बैठक चलेगी सर? 2 दिवसीय है, आज और कल है। आज के मुख्य अतिथि कौन से? आज के मुख्य अतिथि माननीय मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी हैं, और कल के मुख्य अतिथि माननीय यहाँ के जिलाधिकारी श्री कौशल शर्मा जी। क्या निष्कर्ष निकला अभी तक बैठक में? अभी तक मंथन चल ही रहा है, हम लोग की 3-4 डिमांड है बिजली को लेकर है कि जो बिजली का दाम बढ़ा दिया है बिना विद्युत नियामक आयोग के, ये बहुत गलत हुआ है, उनकी विद्युत ही हमारे उद्योग के प्राण है। दूसरा, हम लोग की डिमांड है कि जिस तरह से मल्टीनेशनल्स कंपनी में श्रमिक लोग को रोजगार दिया जाता है और जिस तरह से उनसे काम कराया जाता है संविदा पे, वैसे ही सुविधा यहाँ की जो नेशनल कंपनीज हैं जो हम लोग के कुटीर उद्योग हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि श्रम कानून समान होने चाहिए, चाहे हमारे लिए हों चाहे मल्टीनेशनल्स के लिए। कहाँ कहाँ से व्यापारी वर्ग लोग आए हैं यहाँ पे? पूरे उत्तर प्रदेश से, उत्तरांचल से, दिल्ली से, हरियाणा से और पंजाब से लोग आए हैं।